पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचकुला कांग्रेस पार्टी द्वारा ईडी द्वारा कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी व अन्य नेताओं से कार्रवाई के रोष स्वरूप शांतिपूर्ण ढंग से रोष प्रदर्शन किया। कालका विधानसभा से विधायक प्रदीप चौधरी और हरियाणा कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदीप चौधरी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन पंचकुला के कार्यालय के बाहर कर रहे हैं, ये एक प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में कई गंभीर परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं और लोग उससे गुजर रहे हैं और कई ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए केंद्र सरकार सीबीआई व ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य कई बड़े नेताओं पर मोदी सरकार के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी तथा जीएसटी और चाइना जैसे मुद्दों और अन्य मामलों में जन विरोधी नीतियों को लेकर के तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ईडी के नाम पर पहले हमारे नेता राहुल गांधी को परेशान किया गया और अब सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनके दबाव में नहीं आने वाली, जनहित के जो भी कार्य होंगे वो हम करते रहेंगे और सरकार विरोधी आवाज़ को भी उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रदर्शन जो है सत्याग्रह आंदोलन जो शांतिपूर्वक कल भी था हमारे पूरे देश में, दिल्ली से लेकर हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सत्याग्रह आंदोलन शांतिपूर्वक किया गया, उसी सिलसिले में आज फिर हम साथी सभी यहाँ बैठे हैं क्योंकि आज देश जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, हालात बस से बदतर हो चुके हैं, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने के लिए जो ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ऐसी सरकारी मशीनरी का, ऐसी संस्थाओं का एक दुरुपयोग करने का जो कार्य शुरू कर रखा है, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, इस मोदी सरकार के अहंकार के खिलाफ कोई अगर टक्कर लेकर डटकर कोई मुकाबला कर रहा है तो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के नेता हैं, वो चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, नोटबंदी को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो, चाइना द्वारा हमारे देश की ज़मीन पर कब्जा करने की बात हो, सरकारी संपत्ति को पौने पौने दामों पर बेचने का, अपने साथियों को लुटाने का जो कार्यक्रम शुरू कर रखा है अंबानी अडानी के नाम, ऐसी जो तमाम जन विरोधी नीतियाँ हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ही डटकर मुकाबला इस तानाशाही सरकार का, इनके अहंकार के खिलाफ अगर कोई टक्कर ले रहे हैं तो हमारे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ईडी के नाम पर आज हमारे नेताओं को जो परेशान किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी जी को 2-3 दिन परेशान किया गया और हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिस तरह यह परेशान करने पर तुले हैं। ईडी का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग, कोई पैसे का लेन देन हो या कोई हवाले का मामला हो, लेकिन वह कहीं भी नहीं, मात्र ये परेशान करने पर तुले हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इनके दबाव में आने वाली नहीं है, हमारे नेता बहुत संघर्षशील हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जनहित में हमारे जो भी कार्य हैं हम अपने इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक इस सरकार से छुटकारा हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो अदालत है देश की वह जनता है, वह बहुत बारीकी से सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इनको जरूर सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, ये सत्याग्रह हमारा कल भी जारी था, कल वहाँ पे पीसीसी में हमारा सत्याग्रह स्टेट लेवल पे था और आज सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सत्याग्रह चल रहा है। हरियाणा के और पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट्स में ये सत्याग्रह चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जन विरोधी नीतियाँ हैं और हर किसी को परेशान करने के लिए ये काम किया जा रहा है। जो भी सरकार की एजेंसीज़ हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो भी कोई आदमी इनके खिलाफ बोलता है, इनकी सच्चाई को उजागर करता है, उसको इसकी धमकी देकर और उसके बीच में फंसाया जाता है।
तो यही सेम बात सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ है। पहले राहुल गांधी जी की पूछताछ के लिए 5 दिन उनको बुलाया गया, अब सोनिया गांधी जी को बार बार बुलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जन जो है ना, वो डरे हैं ना वो डरेंगे। सच्चाई के लिए हम लड़ते रहे हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और हम अपने नेताओं के साथ हमेशा खड़े हैं। और ईडी का ये केस ही नहीं बनता क्योंकि इसमें कोई भी मनी का लेन देन नहीं हुआ और कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं हुई, ना कोई इसमें प्रॉफिट बांटा जाता है, तो ईडी का केस बनता ही नहीं है। ये खामखा में परेशानी करने की बात है। और दूसरा, जनता की जो नज़रिया है उसको, जो आजकल की समस्याएं हैं उससे भटकाने का काम किया जा रहा है। आजकल इतनी समस्याएं चल रही हैं, अर्थव्यवस्था त्रस्त हुई हुई है, बेरोजगारी नंबर एक पर है, महंगाई की हालत ऐसी है कि भाई आम जनता खाना भी नहीं गुजारा कर सकती है, उसका खाना भी दुखी कर दिया है। और हरियाणा, जबकि कहा जाता था कि भाई देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, और आज ऐसी स्थिति है कि भाई आटे के ऊपर भी GST लगाकर आम गरीब जनता रोटी के लिए भी उसको दुखी कर दिया गया है। इसी तरह से सारी समस्याओं को की तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस ईडी के केस, झूठे केसों में हमारे नेतागण जो हैं उनको फंसाया जा रहा है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और शांतिपूर्वक गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम